देखो सर, आपको हम पढ़ा क्या रहे, वो कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक है आदित्यराज। इतना सारा अगर शांति से क्वेश्चन कर लोगे ना भोला, तो आपके स्कूल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद जस्ट बट क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है ना, तुरंत क्वाड्रिलेटरल पढ़ा देंगे, उसमें कंग्रेंसी भी है ना। ठीक, तो कंग्रेंसी में आपको क्या करना बाबू, हमारे पास पांच टाइप के कंग्रेंसी होंगे, याद हो गया होगा बाबू। एस 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 है ना भोला, अब बाबू आर एच एस और ट्रिपल एस, यही होता है। अब जब भी दो ट्रायंगल में बाबू आपको साइड इक्वल करने कहे, चाहे एंगल इक्वल करने कहे, तो आपके पास एक के हथियार है, जो दो ट्रायंगल में इक्वल करने कहेगा स्माइरा, उस दोनों ट्रायंगल को आप क्या प्रूफ कर दो, कंग्रेंट प्रूफ कर दो। कैसे करोगे कंग्रेंट, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा डाटा बाबू, उसी से आपको है ना यूज करना है। अब बाकी एक दो को एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा देना है ना, तो उसी से अगर दो ट्राइंगल को आप कंग्रेंट प्रूफ कर दोगे भोला, तो जैसे दो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएगा, तो उसके बाद जो रिमेनिंग साइड बच जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा भोला, इक्वल हो जाएगा। यही करना है कृतिका। ए बाबू मनु ऑन करो जी, आदित्यराज वीडियो ऑन करो। तो ये कल की क्वेश्चन है, कल की क्वेश्चन है, कल की क्वेश्चन क्या दिया बाबू, कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि मेरा बाबू क्या है, टी पी क्यू एक ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल में आपको प्रूफ करने क्या कह रहा बाबू, कि अंदर वाला जो ट्राइंगल वह है पी एस आर, ये क्या कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्या होगा अंशुजीत, आइसोसेलेस। अंदर वाला जो ट्राइंगल वह ई वाला है, आपको क्या प्रूफ करना, ये वाला एंगल वह अंदर वाला जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा है ना। ठीक सर, अभी अंदर वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा सर है ना, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है, दो गो साइड इक्वल होता है। तो आपको अल्टीमेटली कहा क्या रहा, कि आप इस ट्राइंगल का पी एस आर का अगर दो गो कोई साइड इक्वल प्रूफ कर देते हो, दो गो कोई साइड इक्वल प्रूफ कर देते हो, तो दो गो साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, स्मारा कहाँ जा रही है स्मारा, उसको भी बाबू मेडिसिन की जरूरत है। किसी भी ट्राइंगल का दो गो साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या प्रूफ करने का रहा, क्या प्रूफ करने का रहा, पी एस बराबर पी आर प्रूफ करने का सर पेन गिर है ना, पी एस बराबर पी आर प्रूफ करने का रहा। ठीक ठीक सर, अब कैसे करोगे, तो दिया हुआ डाटा क्या क्या चीज है, पी क्यू बराबर पी टी दिल्ले है, सोचो पी क्यू ई सेडवा और पी टी ई सेडवा इक्वल दिल्ले है ना। ठीक सर, जैसे ई पी टी या पी क्यू इक्वल दिल्ले मनीषा साहू, तो ई और सेडवा के अपोजिट एंगल बा ये वाला, शांति से समझना। अरे मेरे शैतान, पी क्यू बाबू, तो पी क्यू के इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये वाला है ना, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला कि नहीं, अरे इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है ना, तो जब साइड इक्वल होगा तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे है ना। ठीक सर, आपको प्रूफ करने क्या करा है, पी एस आर इक्वली आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आप बाबू कौन से दो गो ट्राइंगल खोजोगे भोला, जिसमें मेरा ई साइड आ जाए और एक दूसरा ट्रायंगल क्या इस तरह से आपको सेलेक्ट करना बाबू, कि जिसमें आपका दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इंक्लूड हो जाए। तो अगर सर ट्रायंगल सर पी टी एस एक नंबर ट्रायंगल खोजते सोचते हैं और पी क्यू आर दो नंबर ट्रायंगल सोचते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगलवा को अगर आप कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो, अगर किसी भी तरीके से ट्रायंगल एक दो को कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो ट्रायंगल एक का ई वाला सेडवा कौन सा सेडवा, ये वाला सेडवा है ना बाबू। ठीक, ट्राइंगल एक का कौन सा साइड, ये वाला साइड है ना, और ट्राइंगल दो का ये वाला साइड, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सोचो कैसे कंग्रेंट प्रूफ करोगे, तो सब चीज तो दे ये दिया सर, आपको क्या दिया हुआ, पी क्यू बराबर पी टी, ये साइड वाई ये साइड वाई इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल है ये है, और एक और दे ये दिया सर, टी पी एस कौन बोला, टी पी एस ये वाला एंगल वा ये वाला एंगल वाई ये वाला एंगल वाई इक्वल दे ये दिया, तो सब चीज तो दे ही, बिल्कुल तो सब चीज तो दे ही दिया आपको, दोगो साइड ई साइड ई साइड इक्वल है, ये एंगल एंगल इक्वल है, एक चीज जब साइड इक्वल होगा, अगर ये साइड इक्वल तो एकर अपोजिट एंगल वाई ये वाला साइड इक्वल है तो एकर अपोजिट एंगल वाई ये वाला, तो एंगल वो क्या हो गया इक्वल हो गया, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ट्रंग एंगल कंग्रेंट हो गया। और जैसे एंगल साइड एंगल से ट्रंगल कंग्रेंट हो गया, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, अब एस बी बराबर पी एस हो जाएगा, तो मेरा पी क्यू पी आर पी आर एस मेरा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो कुछ करना था जी है ना, तो कल का सोल्यूशन है बोला है ना, तो नाओ बाबू है ना, यही सोल्यूशन हो गया बाबू कल वाले क्वेश्चन का, इतना दिया हुआ है ना। तो नाओ बाबू इन ट्राइंगल,
इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? पीटीएस में चलो, एंड भोला किस में चलोगे? ट्रायंगल PQR में चलो, PTS PQR। क्या क्या होगा सर? PT बराबर PQ। कैसे सर? दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ। एंगल T बराबर एंगल Q हो जाएगा। एंगल T बराबर कितना था? इसको तीन लेटर में लिखो, PTS तीन लेटर में लिखो बोला। एंगल कौन सा? PTS बराबर एंगल PQR। एंगल कौन सा? PQR। कैसे सर? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते? इक्वल होते सूर्य से बता रहे हैं। इक्वल साइड भोला, इक्वल साइड बाबू हैव अपोजिट इक्वल एंगल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते? इक्वल होते है ना। ठीक सर, हो गया। आए कोई एंगल दे ले, TPS दे ले है ये। एंगल वा क्या दे ले? TPS बराबर एंगल QPR दिया हुआ। कैसे सर? ये दिया हुआ, तो जैसे दिया हुआ है बाबू तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया है ना। इधर हो गया कंग्रेंट हो गया। और जैसे सेजल ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया बोला तो जाके डांस करते रहो। जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया बोला तो हम लोग कहेंगे क्या होगा? PS बराबर PR हो जाएगा। तो यही करना था। इसलिए बाबू ट्रायंगल कौन सा? PTS। कंग्रेंट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PQR। कैसे सर? एंगल साइड एंगल से। अब एंगल साइड एंगल से कंग्रेंट हो गया दितराज, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? PS बराबर PR हो जाएगा। इसलिए PS बराबर PR हो गया। अब PS बराबर PR हो गया भोला मेरा, तो ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, तो ट्रायंगल कैसा होता है? आइसोसेल्स होता है ना। इसलिए बाबू ट्रायंगल कौन सा? PRS इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो कुछ हो इसमें करना था जी, बताओ जी। सबसे अच्छी लिखिए अगला क्वेश्चन। तो सब डाटा तो दिल है ये था, थोड़ी इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना था। लिखो निको। अदिति का नेटवर्क भाग गया बाबू। लिखो सजा, जो भी आप लोग लिखते हो बाबू, सारे बच्चे को बाबू जितना लिखा है सारा भेजना है। नहीं भेजोगे बोला फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब बैठ के शैतान खाली ये करते रहता, फिर कोई शैतान निकलेगा तो फिर अलग पनिशमेंट मिलेगा। रात का चेक होगा, 10 बजे क्लास खत्म होता है ना जी, खाएंगे पियेंगे उसके बाद 1 घंटा सबका चेक करेंगे। आप ही का काम बढ़ेगा सर। कोई दिक्कत नहीं है बोला, इस लाइफ में है क्या चीज। आप लोग बाबू जैसे सुधरो, मार से पीट से, लेकिन सुधार देना। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो अंशुजीत, ये सब सारा लिखे का क्वेश्चन अंशुजीत शैतान आपके बुक में होगा, उलट के देखना बाबू, कभी उल्टे बुक बाबू अंशुजीत। भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ। करो तैयार रहिएगा। स्माइरा कहिया बाबू बर से बोला, स्माइरा कहिया के बर से बोले। चलो कब आए बाबू? गंगा यमुना सरस्वती बाबू जरूरी हो गया बाबू, बहुत दिन से दवा नहीं मिला आपका। सर आप तो सब कुछ तो कर लेते हैं। कर ले तो मम्मी से ना पूछेंगे जी। हाँ पूछ लीजिए। डुमरामा कब आ गए? अगला को तो भोला बाबू देखो कम चांस है, हिसुआ जाना भोला राजगीर, गया से बाबू थोड़ा सा पीछे है। इस हफ्ते आ जाइए जल्दी लिखो। नेक्स्ट भोला देखो क्या बाबू सर नहीं लिखे अभी लिखो।
मौका अगला देंगे। भेज दिया। एल और एम बाबू क्या है, कोई लाइन है, पी पॉइंट है बाबू जो एल और एम से इक्वी डिस्टेंस पे, तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू एपी बाई सेक्ट करेगा, हमारा नहीं कुछ हो समझ में आया। चलो देखो समझा नीचे बना दीजिए, नीचे वाला। जल्दी करो, मतलब क्या है सर, कुछ नहीं, थोड़ा तेजी से पढ़ो बाबू, तेजी से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तेज हो गया। आप ही कहते फिर नहीं लिखेगा तो पिटाएंगे, अब टाइम होने देता है। आता लिखो ना जी, बच्चा 9 का बच्चा है बाबू, ये सब शैतान है। देखो जल्दी हो गया। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन समझना है। ऊपर ट्रायंगल बना देते भोला, ऊपर है ना, ठीक सर। आपको क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा, दो गो लाइन है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, करवाइए सर, है ना, फिर से बना देते बाबू ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये दो गो लाइन है भोला, है ना, ठीक सर, मन से पढ़ना बाबू अपना, नहीं तो आके बोली अच्छा चूर हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा। शैतान, ये दो गो लाइन है आदित्य राज, क्या आदित्य राज, दो गो लाइन है, एगो एल हो गया एगो एम हो गया, है ना, ठीक सर। आप बाबू क्या कर रहा बाबू, इस लाइन को बाबू इन एक लाइन तीसरी लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस तरह से, जहां पे बाबू आपको प्रूफ करने का रहा कि ये एंगल वाई इक्वल होगा, कब भोला, इस लाइन से बाबू पी पॉइंट से, यहाँ वो पी पॉइंट है भोला मेरा, यहां से परपेंडिकुलर डालो और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो, है ना, हाँ सर, ऐसे करके, ठीक भोला, ये पॉइंट पी हो गया, ए ए हो गया। देखो समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझो फिर आंसर समझना। क्या करा, पी इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन ए लाइन एम, पहला लाइन से हमको क्या कंक्लूजन निकला, पी इज इक्वी डिस्टेंस, एल है एम है, तो P मेरा क्या है, L से जितना ये है और M से जितना ये है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, पहला लाइन तो यही निकल गया, इक्वी डिस्टेंस बहुत टू लाइन एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ए, ये कहाँ इंटरसेक्ट करा बाबू, शैतान निको ए पे, तो आपको बाबू शो डेट ए पी बाइसेक्ट कर रहा है, ए से पी क्या कर रहा है, इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यही आपको प्रूफ करने का रहा, आपको जो एपी लाइन में बाबू एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या, ये एंगल वा और ये एंगल वा इक्वल होगा, मतलब बाबू क्या, एंगल नंबर ये का एंगल नंबर दो क्या होगा, इक्वल होगा, यही प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे, तो आपको कसम खिले ले बाबू कि जब भी कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करने कहेगा तो आपके पास एक चारा भोला, दो गो ट्राइंगल खोजो और उसको कंग्रेंट करो, तो कौन से दो गो ट्राइंगल है सर, अगर ट्राइंगल नंबर एक ऊपर वाला और ट्राइंगल नंबर दो, अगर ये दोनों ट्राइंगल को कंग्रेंट अगर कर देते हो तो ई एंगल वा ई एंगल वा, एक एक नंबर एंगल दो नंबर एंगल अपने से इक्वल हो जाएगा, है ना, अब तो कंग्रेंट कैसे करोगे सोचो, तो कंग्रेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मनो शैतान वीडियो ऑन करो, ये आदित्य राज ऑन करो जी, शैतानी सब बंद के लिए रहता है, अनिता बाबू इधर से वेटिंग रूम में डाल देंगे, कंग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचो, हमको तीन चीज इक्वल्स करना है, तो क्या क्या चीज इक्वल करना, तो यहाँ पे मान लो नए कुछ पॉइंट दिला है, मान लो यहाँ पे पी क्यू नहीं ना है, तो यहाँ पे मान लेते क्यू पॉइंट है सर, यहाँ पे मान लो आर पॉइंट है ना, तो पर 90 डिग्री का लिखे से 90 डिग्री होगा, ये 90 क्वेश्चन में दिले भोला, क्वेश्चन सुनो नहीं पढ़े थे। क्वेश्चन में दिले, ठीक, हाँ सर, अब शांति से समझना, तो आपको बाबू क्या करना है भोला, ये एंगल इक्वल प्रूफ करना, तो आपको ट्रेंगल एक दो को अगर कन्वर्ट कर दो तो काम हो जाएगा बाबू, अब कैसे करोगे बाबू लक्ष्मी सोचो, तो ट्रायंगल एक में बाबू अभी आपको रफ बता रहे हैं, ट्रायंगल दो में क्या क्या चीज इक्वल है, तो ट्रायंगल एक में बाबू पी क्यू बराबर कितना है सर, पी आर है, एक चीज तो हो गया, अरे ट्रायंगल एक में ये पी आर और ये पी क्यू इक्वल हो गया, हाँ सर हो गया, एक चीज आपको तीन चीज इक्वल करना, और पूछो, नाइनटी ये नाइनटी 90 दिया हुआ है,
ये एंगल 190 दिया, मतलब एंगल कौन सा सर? ए क्यू पी, यहाँ पे समझना, ए क्यू पी एंगल कौन सा सर? ए आर पी, ए आर पी कितना है? 90 डिग्री। दो चीज हो एपी गया है ना, ई साइड वा ई साइड वाई साइड वा इक्वल हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया, और एपी आंसर कॉम ई बराबर ए पी हो गया, इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों पार्ट इक्वल हो गया। अब जैसे इक्वल हो गया तो ट्रायंगल एक दो क्या होगा? कंग्रेंट हो जाएगा। अब जैसे एक दो कंग्रेंट हो गया तो क्रोस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गए, तो आपका ए क्यू बराबर ए आर हो जाएगा और एंगल एक बराबर एंगल दो हो जाएगा, है ना। इसमें। अब ये कंग्रेंट होगा तो कौन से क्रिटेरिया से तहत कंग्रेंट होगा? ट्रायंगल एक बाबू सिम कंग्रेंट हो जाएगा। नाम लिखेंगे अभी आपको समझाने के लिए, एक दो कर रहे, नाम लिखेंगे। तो ये कौन से क्रिटेरिया से ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएगा? एक और दो, सोचो 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 सोचो। आई सर की सर, कौन से क्रिटेरिया? एक वो एंगल वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड वाई वाला क्या? हाइपोटेनस है। अरे 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है। तो एक वो एंगल 90 डिग्री है सर, सर, और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो 90 डिग्री हाइपोटेनस इक्वल हो गया, एगो साइड ये इक्वल है ये है, तो ये कौन से क्रिटेरिया से कंग्रेंट होगा? राय आर एच एस से होगा, ध्यान देना, राइट हाइपोटेनस। अगर किसी दो ट्राइंगल का एगो एंगल 90 डिग्री हो जाए और हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, एगो और कोई भी साइड इक्वल हो जाए, तो एगो 90 डिग्री है ये सर, एगो हाइपोटेनस इक्वल है ये, हो ये क्या? ये कौन से क्रिटेरिया से कंग्रेंट होगा? आर एच, आर एच एस से होगा, है ना। जैसे का ट्राइंगल कंग्रेंट हो गया तो ए क्यू ए आर आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो रिमेनिंग साइड बच गया तो ए क्यू बराबर ए आर हो जाएगा, और ये एंगल वन बराबर एंगल टू हो जाएगा, हो गया। और जो एक वाव एंगल वो बच गया ये वाला एंगल, तो ये वाला भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यहाँ वाला कोण वाला, ठीक। तो यही आपको करना था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, देखो डायरेक्ट आंसर ला, है ना। तो इसी चीज को लिखेंगे, क्या करेंगे? इसी चीज को लिखेंगे, तो एक दो लिखेगा ना मेरे लाल, गलती हो जाएगा। ट्रायंगल को हम लोग एक दो ना लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिखे थे, है ना, ठीक से। तो सॉल्यूशन नंबर 40, कौन सा बोला मेरा? सॉल्यूशन नंबर 40 दिया क्या क्या है सर? गिवन लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ? पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ, पहला दिया हुआ। एंगल क्या दिया हुआ है सर? पी क्यू ए बराबर कितना दिया हुआ? एंगल पी आर ए बराबर 90 डिग्री। इतना चीज तो दे दिया, मेन चीज तो दे दिया। आदित्य, आदित्य क्या कर रहा है जी? आदित्य बाबू अब क्या करो बाबू? ट्राइंगल में चलो, इन ट्राइंगल किसमें? तो हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है? लिख सकते बीच में बाबू, बी हैव टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने कह रहा है बाबू? बी हैव टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने कह रहा है बाबू? क्यू ए पी एंगल, क्यू ए पी बराबर एंगल कौन सा? आर ए पी, आर ए पी मतलब ए पी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अरे एंगल इक्वल करने का मतलब क्या हुआ? डेट इज बाबू, है ना, एपी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, एपी बाइसेक्ट, है ना बाबू, एपी क्या करेगा वो? बाइसेक्ट, है ना, बाइसेक्ट बाबू। इसको एंगल ये कर सकते हैं, बाइसेक्ट द एंगल कौन सा? क्यू ए आर। अरे इसी एंगलवा को एपी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्यू ए आर और पी आर, पी ए आर या आर ए पी इक्वल कर दो। अब मेरा बच्चा क्या करे बाबू? चलेगा इन ट्राइंगल किस में चलेगा? पी क्यू ए में। चलो इन ट्राइंगल पी क्यू ए में चलो, इन ट्राइंगल किस में चलेगा? पी आर ए में चलेगा, पी आर ए में चलेगा, ठीक सर। पी क्यू पी आर दिया हुआ है सर, पी क्यू बराबर पी आर क्या दिया हुआ है? हो गया, एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए बराबर एंगल पी आर ए बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है।
गया। और एपी, इधर से एपी, इधर से एपी, कॉमन हो गया। एपी एपी दोनों में कॉमन हो गया। पी ए लिख सकते हो, है ना। तो यही आपको करना था, आपको यही करना था भोला मेरा, और कुछ नहीं करना था। लिखिए आप लोग, लिखो बाबू। और एपी बराबर क्या हो गया सर? एपी हो गया, का है सर, कॉमन हो गया। जैसे बाबू ये तीन चीज इक्वल हो गए, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू ए आदित्यराज कांग्रेंट हो जाएगा, ट्रायंगल पी आर ए। कैसे सर? आर एच एस से, है ना। हाँ सर, आज जैसे कांग्रेंट हो गया बाबू, तो एंगल एक दो बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू ए पी बराबर पी आर ए पी हो जाएगा, इसलिए एंगल क्यू ए पी बराबर एंगल आर ए पी। कैसे सर? बाई सी पी सी टी से। कैसे? बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से हो गया। अब एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए एपी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, इसलिए एपी इज बाइसेक्ट। तो इतना चीज आपको सुंदर सुंदर लिखना, एपी इज बाइसेक्ट बाबू ऑफ एंगल कौन सा, क्यू ए आर कर दो, है ना। तो यही आपको इतना लिखना रहता है। लिखो, डायग्राम बनाएगा फिर से बना लीजिए, तेजी से और सुंदर सुंदर लिखना। लिखो आदित्यराज बाबू, सर एक दोनों बातें बोलते हैं कीर्ति, ये कहा है बाबू दर्शन बंद के लिए जी, प्यास लगा बाबू पानी। सर हाँ बाबू, सर, मैं वो के बाहर जा रहा हूँ, 9 से 10 वाला नहीं कर पाऊंगा क्लास। पार्टी में जा रहा है जी। सर मेरी बहन का बर्थडे है, सर अच्छा बहन कितना बहन क्या कितनी है बाबू, कितने सिस्टर हो जी? छोटी सर, एक ही है है कि बड़ी है जी? थर्ड या छोटी, अभी थर्ड में है। में जी। तो 3:30 बजे बैठा को उसको देखो ना, बोला माइनस प्लस सिखा रहे हैं। सर वो क्या होता है ना, 3:30 बजे तक वो स्कूल से आते ही है हम दोनों रोशले। अच्छा बहुत कष्ट है बाबू। ठीक और है, भेज दिया कुछ अच्छी बात है, जल्दी लिखिए तो सीनियर साहब। क्लास डाउट क्लास रखे सर। डाउट है बाबू, जो डाउट है पूछो जी, इसमें ठीक क्या बात है बाबू? हमारे बच्चा को जैसे डाउट नहीं होता, डाउट होता जो पूछते रहता, बताते रहते हैं। आपने बुला रखो जल्दी देखो अगला क्वेश्चन बाबू, देखो क्या है कका। अगला, समझना है। देखो वो क्या कर रहा आगे वाला, तीन तीन क्वेश्चन है। तो इससे बाबू लव शैतान है ना बाबू, आपका जो क्वेश्चन बाबू इसी से डाउट क्लियर हो जा सकता है। कैसे सर? देखो बताते बोला, यही क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं अंतर है बोला। जी मैंने ज्यादा सोचना और क्या, जल्दी करो। लिख लिया निको, चलिए लिखा जी कि खाली बाबू यहाँ नाखून ही खाई रहता है जी, लिख रहा बैठ हूँ कर सर। जल्दी लिखो। आज जैसे ही क्लास बाबू एंड होगा उसी समय हमको भेजना है निको, नहीं तो बाबू कल उठा बैठी करवा देंगे शैतान। ये सब शैतान लिख रहा उठता नहीं है बाबू, तब तबे भेजेगा सर। सब मिलकर भेजो बाबू, कोई मुंह माया नहीं जी। देखो 14 नंबर क्या करा बाबू, कि आपको जिसको डाउट जाता है उसी से मांगे खड़े, नहीं जी आप कौन सा बाबू थे दूध के झूलल हो जी। देखो चेक क्या कीजिएगा सर। होता क्या बाबू कि आप लोग क्लास में बैठल रहते हो, ठीक है, तो लिखता बहुत सारा बच्चा नहीं है, है ना। एक दो दा गार्जियन बोले बाबू ये सब खाली बैठल रहता है, व्हाट्सएप यूट्यूब चलते रहता, समझे। तो जो भी अभी लिखे उसको सेंड करना, उसके बाद बाबू बीच में कभी कभार पूछताछ भी होगा, ये आएंगे तो उस समय पूछ लेंगे।
सर कोई पुरान का भेज देते सर, आप जल्दी जल्दी हम चेक करेंगे तो पुरान का भेज देगा था। भेज के देख ला, वो अजमा ला भोला। हम लोग जो पढ़ाएंगे वो याद नहीं रहेगा बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन करवा। आप पुरान का भेजोगे, सब बच्चा पुरान का थोड़ी, आपके जैसा थोड़ी सब धोखेबाज है बाबू, भेजेगा पकड़ा आ जाएगा तो ढूंढ देगा। डर भाई नहीं है, पुरान का भेज देगा शैतान। माने सर बाबू नींद में मुझे रह, जीना होगा, एंगल डी भी क्या थोड़ी बाबू थर्ड में मेरे 41 का थर्ड में एंगल डी बी सी इज राइट एंगल ना होगा। एंगल डी बी सी ई नहीं दिले बाबू मेरे डी सी डी बी। सी हाँ थर्ड नंबर में डी बी सी आपको राइट एंगल शो करना है, डी सी बी दिले डी बी सी करना है प्रूफ। यहाँ पे डी बी सी कर, थर्ड नंबर में दाल भात चोखा कर लो जी, दाल भात चोखा 90 डिग्री डी बी सी, थर्ड नंबर में बाबू डी बी सी कर लो। देखो बाबू क्या है जी, हाँ फिगर बड़ा बनाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिगर में बाबू देखो आपका लिटरेचर इतना लंबा लिख दिया है, इसलिए लिटरेचर लिखते हुए जो जो फोटो बनाया ना उसी को एक्सप्लेन किया गया। क्या कह रहा है सर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सर बड़का को, है ना। क्या कह रहा, जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे वैसे हम फिगर बना रहे हैं, है ना। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है भोला। हाँ सर, नहीं हो सकता है, यही आपका एबीसी हो गया। थोड़ा बड़ा बनाओगे बड़ा बना लो, ताकि बड़ा बड़ा विजुलाइज हो गया, है ना। ठीक सर, यही एबीसी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक सर, इतना तो बात समझ में आ गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है बेटो, देखो राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जब ये राइट एंगल है बाबू, ये राइट एंगल सी पे है, राइट एंगल किस पे है, सी पे है ना, सी पे राइट एंगल। आकार बाबू एम कोई मिड पॉइंट है, बीच में क्या बाबू, एम कोई मिड पॉइंट है बोला लव सेता। पढ़ना बाबू लव सेता, आपके क्वेश्चन में यही बोला, मिड पॉइंट है बाबू ए भी, हाइपोटेनस ए भी है, ये हाइपोटेनस ए भी बाबू। तो इसका ई क्या हो गया, एम क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, मतलब ई लेंथ, ई लेंथ क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। शांति से पहले एक बार देख लो फिर लिखते रहना, यहाँ तक हो गया सर। सी इज ए पॉइंट बाबू है ना बाबू, सी इज ए पॉइंट ज्वाइन टू एम है ना बाबू, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, मतलब सी से बाबू एम को ज्वाइन करो, सी से एम को क्या करो, ज्वाइन करो, सी से एम को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिए। क्या करो बाबू, सी इज ज्वाइन टू एम, सी इज ज्वाइन, सी को एम से ज्वाइन कीजिए, एंड बाबू एम प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, एम को प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस का मतलब क्या बाबू, आगे बढ़ाना, तो एम को आगे बढ़ा है ना, इस लाइन को आगे बढ़ा, बढ़ा दिए सर। प्रोड्यूस ए पॉइंट डी बाबू सच दैट डी एम बराबर सी एम, इसको कहाँ तक बढ़ाया, डीएम तक बढ़ाया, है ना। ये तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सा तिरछा करके करो बाबू, है ना, इसको ऐसे करो थोड़ा सा ताकि आपका इसके बराबर आ जाए। यहाँ पे पॉइंट एम मान लो, कहाँ तक गया, डी तक गया, कहाँ तक गया कि बोला मेरा, डी तक गया है ना, और डी बी को क्या करो, ज्वाइन कर दो, डी बी को क्या करो, ज्वाइन कर। तो ये क्वेश्चन कह रहा, डीएम बराबर सीएम दिया हुआ, डीएम खोजो और सीएम देखो जो, तो डीएम बराबर सीएम दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो, डीएम बराबर सीएम दिया हुआ, मतलब क्या सर, इहो लेंथवा ई लेंथ बा, ई लेंथ बा बराबर दिया हुआ है ना। तो आपको प्रूफ करने क्या करे बाबू, ए एम सी बी एम डी खोजो, ए एम सी, ए एम सी एक नंबर ट्रायंगल, अब बी एम डी दो नंबर ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, इसी चीज को प्रूफ करने का रहा। कैसे करोगे सोचो, ट्रायंगल एक नंबर दो नंबर कंग्रेंट होगा, कौन सा एक नंबर है सर, है ना, आपका ए एम सी
और DMB कांग्रेंट होगा, कैसे करोगे सोचो। आंसर देखो सर, ई साइड बा AM MB दिल्ली क्वेश्चन में, MD CM क्वेश्चन में दिल्ली, तो दो चीज तो दे ही दिया। और ट्रायंगल एक दो में एगो और अपने मन से कुछ खोज लो, काम हो जाएगा। तो एगो खोजो क्या इक्वल होगा, तो नहीं दिया मनीष। ई वाला एंगल बा, ई वाला एंगल बा, ट्रायंगल किसमें चलेगा, इसमें चलेंगे, इस एक ट्रायंगल में चलेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है एक ट्रायंगल इसमें चलेंगे, हाँ सर, एगो ट्रायंगल किसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे, किसमें चलेंगे मेरा लाल, इसमें चलेंगे, यही कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा बाबू है ना, कि ट्रायंगल केस में AMC BMD, AMC और BMD, तो ई साइड वाई साइड वाई इक्वल दिले है, यही इक्वल दिले है, ये भोला आई भट्ट के लिए अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। आज जैसे ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया तो काम आपका हो गया, बस वही प्रूफ करने का रहा। आगे क्या करा बाबू, दो नंबर में DBC ACB इक्वल कंग्रेंट प्रूफ करो, DBC है ना, DBC और ACB। अब जैसे बाबू ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट होगा तो ये DB लाइन में AC लाइन में बराबर हो जाएगा, बात सोचो, जैसे ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो जाएगा तो ई वाला लाइन में और ई लाइन में बराबर हो जाएगा, और सर और क्या होगा, ये एंगल वा बराबर हो जाएगा है ना। अरे ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया तो बाबू रिस्पेक्टिव साइड इक्वल होते हैं, तो आपका BD AC इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दो चीजें इक्वल हो गया बाबू, और एक चीज BC कॉमन हो जाएगा, तो अगला वाला प्रूफ हो जाएगा। और जैसे अगला वाला बाबू प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो यही करना था, मतलब क्या बाबू है ना, सोल्यूशन भोला दिया हुआ क्या, भोला दिया हुआ क्या बाबू, MD बराबर MC, MD बराबर कितना दिया हुआ, MC दिया हुआ, यही दिया हुआ ना सर, और MA बराबर MB दिया हुआ है, MA बराबर MB दिया हुआ, इतना दे दिया हो गया, तो हमको क्या चलना नाउ भोला, वी हैव टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ, जो ये चीज दिया एंगल दाल भात चोखा AMC है, AMC कांग्रेंट ट्रायंगल, AMC ट्रायंगल BMD है ना भोला, तो नाउ बाबू इन ट्रायंगल ही प्रूफ करना, इन ट्रायंगल AMC एंड किस में चलोगे, ट्रायंगल BMD में चलोगे, सोचो हो गया बाबू, यही तो करना था भोला, MD बराबर MC, तो यहां से पहले MC लिखेगा, इधर से MD लिखेगा, और बाबू AMC उधर वाला ट्रायंगल चाहे तो AM लिखेगा, यहाँ पहला दो लेटर यहाँ से BM करेगा, ये क्या है सर, दे दिया, ये क्या है बोला क्वेश्चन में दे दिया, ट्रायंगल DMB 90 डिग्री आती वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंगल AMC बराबर एंगल BMD कैसे बाबू आदित्यराज, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जैसे बाबू क्या हो गया, साइड एंगल साइड से किसी भी ट्रायंगल का दूसरा साइड है वो एंगल इक्वल होता, तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, बस यही करना था बाबू, इसलिए ट्रायंगल AMC कंग्रेंट ट्रायंगल BMD हो गया, कैसे सर, साइड एंगल साइड से, और जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया सर तो BDAC बराबर हो जाएगा है ना, लिखो भोला, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, BD बराबर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, कैसे सर, बाय CPCT से, एंगल P बराबर एंगल है, एंगल D एंगल है बराबर हो जाएगा, B एंगल कहाँ जी, ये सर दिया बराबर B पूरा हो, एंगल D बराबर कितना, एंगल A बराबर एंगल D कर दो सर, एंगल B बराबर एंगल से कौन होगा,
अरे शैतान ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट कर रहा है, इतना ही सुन, ट्रायंगल वन हो रहा है तो ये एंगल वन बराबर होगा जी, एक हाँ बार वो एंगल ए बराबर एंगल डी। सर कैसे सर, बाई सी पी सी टी से लिखो। अब इतना जब इक्वल हो गया सर, तो अब दूसरा नंबर में चलेंगे, ट्रायंगल डी बी सी ए सी बी में चलेंगे, आपका काम हो जाएगा। इतना लिखो इतना। अब ट्रायंगल आदित्यराज दूसरा नंबर क्वेश्चन में करेंगे, क्या करेंगे थर बाबू, समझ में आता है थर बाबू थोड़ा थोड़ा? हाँ बाबू हाँ सर। लिखिए। क्या प्रूफ करना है? डी दाल भात चोखा। कंग्रेंट प्रूफ करना है, ए सी बी प्रूफ करना है ना? हाँ सर यही तो करना है हमको। तो ये भी बाबू आपके बुक में जरूर होगा जी अंशुजीत, समझा से शैतान। सर आप क्वेश्चन तो देखिए। क्वेश्चन देख लेंगे बोला, टेंशन मत लो। ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन है सर। एनसीईआरटी सब में सब जगह बाबू। आरएस सर वाले का सॉल्व कराएगा सर, मेरा स्कूल में बुक ये चलता है। बाबू अरे आरएस सब जगह बाबू, इन फिगर पीएस बराबर क्यू आर है, एंगल एस पी क्यू बराबर एंगल आर क्यू पी दले हैं, प्रूफ डेट बाबू। ट्राइंगल पी क्यू एस कंग्रेंट होगा जी ट्राइंगल क्यू पी आर का, जल्दी देखो समझाते बोला। पी है क्यू है एस है आर है, पी एस बराबर क्यू आर, एस पी क्यू एस पी क्यू आर 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 क्यू पी बराबर है, पी क्यू एस पी क्यू, ना बता रहे हैं सर, तो अपने आप नहीं ले जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन इसको लिखो ना जी, बता रहे हैं जी ना, ये अगला क्वेश्चन है, लिखो इसको इसको लिखो इसको बताते हैं, ये अगला क्वेश्चन है बाबू। नहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा, बात तो सत्य है जी। नेक्स्ट वाला तो ये हो गया ना बाबू, अब ट्रायंगल सर चलेंगे डीबीसी या दा बाबू एसीबी में चलेंगे, किस में चलेंगे बाबू? ट्रायंगल डीबीसी एसीबी में चलेंगे। नाउ बाबू इन ट्रायंगल दाल भात चोखा, दो नाउ बोलो सेकेंड नंबर, नाउ इन ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी में, इन ट्रायंगल डी बी सी और एंड ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में खोजो करने करने हैं। डी बी सी कौन सा खोजो, डी बी सी मतलब ये बीचे वाला भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल वा दाल भात चोखा ये वाला है ना, डी बी सी ये वाला भोला मेरा, और ए बी सी ए बी सी ये वाला है ना, ठीक सर। क्या क्या कॉमन होगा अभी प्रूफ किया बाबू, बी डी बराबर ए ए सी, ई एंगल वा इक्वल के, और बी सी क्या हो गया कॉमन हो गया। अरे ट्राइंगल चलो ना जी, डी बी सी में डी बी सी डी बी सी डी बी सी ए बी सी ई साइड वा इक्वल हो गया, ई वाला एंगल वाई इक्वल हो गया और बी सी कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल कंग्रेंट हो गया। कैसे सर, साइड साइड मतलब एस आपका कौन सा हो जाएगा भोला, हेलो एंगल साइड एंगल साइड सर है ना,
नहीं समझ में। हाँ जाके क्योंकि बाबू क्या हो जाएगा, डीबीसी में क्या होगा, डीबी बराबर एसी हो जाएगा, डीबी बराबर एसी। कैसे सर, यहाँ से कॉन्ग्रेंसी एंगल डी बराबर कैसे सर, एंगल ए कहाँ से सर, यहाँ से नीचे से। सर, एंगल बी बराबर ऐसे होगा सर, आधा आधा वाला मतलब। साइड एंगल साइड से ही ना होगा, साइड साइड अचानक साइड एंगल साइड से होगा सर, काकी एंगल लेंगे, एंगल इंटीरियर लेंगे। ई डी और एंगल ये फ्रॉम इक्वेशन है ना, और बीसी क्या है सर, दोनों में कॉमन है, बीसी गुड इवनिंग बराबर सर, सी बी हो गया, कॉमन हो गया। गुड इवनिंग सर, सर हम ऐसे नहीं करते सर, सुनिए सर, तो ये कौन सा क्रिटेरिया, सर सुनिए सर, अरे ये सर ये नहीं कर सकता जी, हद कहले जी, मचेले हद मचेले आपका वो, ई एंगल इक्वल होगा, लेकिन हाँ आपको तो मैं डी बी सी कह रहा है, तो कौन सा डी बी सी, ये पूरा एंगल वा कह रहा है, तो ये अच्छा पूरा हाँ पूरा एंगल वा का थोड़ी हो जाएगा। आगे ना 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 क्या आ गया जी, समझ में आ गया सर, अल्लाह ये कौन सा क्राइटेरिया आ गया बोला। न्यू एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड बाबू होता बाबू, हमारे नहीं पास सर, न्यू बोला लॉन्च और क्या, एस ए है और एस है, यही है ना जी, आर एच एस है, मतलब आप मैथमेटिशियन एंगल एंगल साइड साइड, ये कोई क्रिटेरिया तो है नहीं बोला, तो इसमें आपको अब दूसरा कुछ चीज सोचना पड़ेगा, तो फिर तो है बन ना। गए सर, ठीक एक दिमाग भैया, एंगल बी बराबर एंगल सी 90 डिग्री, अरे कैसे गुड एंगल इवनिंग सर, गुड इवनिंग एंगल बी बी सर, लीन इक्वल, तो फिर ये सी दे आओ ना जी, ये सी ना भी, तो बी के बारे में थोड़ी एंगल एक पूरा बी एसी के बराबर हो जाएगा, चलो इसको रह दो, इसको सोचा जाएगा। एंगल साइड एंगल होगा सर, एंगल साइड एंगल देखो, एंगल और कौन करेगा है ना, भोला ई एंगल इक्वल करेगा, लेकिन बाबू आपको एंगल ट्रायंगल डी बी सी ये पूरा एंगल ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इसको रह दो तो, और इसको बाबू बनाना है, इसको होमवर्क है, इसको क्या आपको होमवर्क है, इसको भी ओके बना कर बाबू, ये आपका नया वाला लॉन्च हुआ है ना, ओके तो नया लॉन्च हुआ बोला है ना, एंगल साइड साइड, चलो ठीक है, पढ़ाई करो वो, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, या इसको और किसी दूसरे तरह से करेंगे, बता देंगे, अभी टाइम भी नहीं है कैसे आपका। ना तो बताऊं तुझे, तकती है राले मेरी, सारा बच्चा गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग बाबू, बैठे रहिएगा आप लोग, सोचिएगा, इवनिंग सर, रिकॉर्डिंग जून के जैसे ठीक है, सर, जून अभी जो जो लिखे वो